आपने कभी सुना है कि किसी क्षेत्र में एमएलए का पद खाली है 2 सालों से? आपने कभी सुना है कि किसी क्षेत्र में एमपी का पद खाली है 4 सालों से? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जो लेबर हैं जिनके शोषण होते हैं, अगर कोई कानून व्यवस्था जिसके हाथ में कानून होना चाहिए और जब उस पद पे कोई है ही नहीं, तो आखिर इन लेबर को न्याय कौन दिलवाए? सारे अफसर, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर वगैरह जितने भी हुए वो सब कंपनी से अपना मिलीभगत करके कमीशन खोरी करते हैं और कमीशन खोरी करने के चक्कर में इन्हीं से सालों साल कंस्ट्रक्शन लेबर सेस के नाम पे करोड़ों रुपए वसूली किए गए, और जब कोरोना महामारी आई तो पैदल दौड़ा दिया गया, एक ट्रेन तक नसीब नहीं हुई थी, लेकिन नमक भी खरीदा था तो उस पर भी टैक्स, और प्लस जो काम करते थे उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन लेबर सेस के नाम पे एक फंड है, देखिएगा जाके आप भी, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए थे जिसपे मंत्री जी और नेताजी का गाड़ी चल रहा था उस पैसे के पेट्रोल से, उस पैसे से उनके घर में नौकर चाकर रखा जा रहा। आंकड़े के मुताबिक इस देश में करीब करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग है अलग अलग न्यायालय में, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। इन मजदूरों को न्याय लेते लेते तो उम्र बीत जाती है, न्याय नहीं मिल पाता, अधिकारी नहीं है, कोई काम नहीं होता। जितने अधिकारी का पोस्ट होना चाहिए, जितने एलईओ का पोस्ट है, वो पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। तो इसका परिणाम ये होता है, एक तो कंपनियां शोषण करती है, माई बाप नहीं है देखने वाला, ना कोई पूछने वाला है। 200 लेबर की लिस्ट देते हैं, 500 लेबर काम कर रहे होते हैं, उसमें से किसी को कुछ हो जाए तो ये हमारे पास नहीं था, उठा के बाहर निकाल के फेंक देते हैं कि हमारे साथ तो था ही नहीं। असंगठित क्षेत्र में भी गवर्नमेंट ने 1998 में कानून बनाकर इनको ESI दिया है, PF भी दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन ये कंपनियां नहीं दे रही है। 221 लेबर का मजदूरी खा रखा है, 4,42,00,000 रुपये खा रखा है, नहीं दिया है। 200 रुपये रोज पे लेबर से काम करा लिया जाता है, न्यूनतम दिहाड़ी मान लीजिए, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूँ, उनको 800 मिलना चाहिए, तो जहाँ पे 200 रुपये दिया जाता है और साइन कराया जाता है 800 के ऊपर, जहाँ पे इनके पैसे खा लिए जाए। दोस्तों नमस्कार, इस देश में मजदूर मजदूर ही रहना चाहिए, और हर राजनीतिक पार्टी ये वादा करके आती है कि मजदूरों को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन इस देश में मजदूरों को जो न्यूनतम दिहाड़ी मिलना चाहिए वो दिहाड़ी तक मजदूरों को नहीं मिल पाता है। इस देश के करीब करीब 60 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर यानी कि जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे मतलब किसी दिन काम मिला किसी दिन नहीं मिला, जिस दिन मिल गया उस दिन रोटी खाएंगे, जिस दिन नहीं मिला उस दिन उनके बच्चे भूखे सोएंगे। इस देश में 23 करोड़ लोग एक वक्त का खाना खा के सो जाते हैं, यानी कि 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। ये मजदूर ही तो हैं जिनके वोट से बड़े बड़े जो मंत्री जी बैठे हैं, बड़े बड़े नेता जी का गद्दी चल रहा, और बड़े बड़े जो लग्जरी गाड़ी पे चलते हैं इन्हीं के वोट के बदौलत, और इनकी संख्या करीब करीब आज के वक्त पे कहूँ तो 80 करोड़ तो वो मान लीजिए जो 5 किलो अनाज पे टिके हैं। आखिर क्या मुद्दा है कि आप लोग मजदूर यहाँ पे खड़े हैं और आप जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या दिक्कत क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो ये जितने मजदूर काम करते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में या किसी भी इंस्टीट्यूशन जो होता है उसमें काम करते हैं, और जब ये काम करते हैं तो इनको काम करवा के कंपनियां पैसा नहीं देती है, मजदूरी नहीं देती है, न्यूनतम वेतन नहीं देती है, ESI नहीं देती है, PF नहीं देती है, फंड नहीं देती है, बोनस नहीं देती है, DA, TA, PA कुछ भी नहीं देती है, कोई भी श्रम। देखिए, दो तरह के मजदूर होते हैं, एक असंगठित क्षेत्र के, संगठित क्षेत्र के। संगठित में उनको तनख्वाह मिलती है महीने की, जो असंगठित क्षेत्र ये दिहाड़ी वाले मजदूर है ना, तो इनको ESI, PF तो वैसे भी नहीं है। नहीं, संगठित क्षेत्र में भी मतलब नहीं कोई सुविधा दे रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में भी गवर्नमेंट ने 1998 में कानून बनाकर इनको ESI दिया है, PF भी दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन ये कंपनियां नहीं दे रही हैं। और इसके लिए जब हम लोग, मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, मेरा नाम बम्मा महाराज नौटिया हुआ, मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ अटल जनशक्ति पार्टी का और महासचिव हूँ समाजवादी लेबर फ्रंट का। हमारी यूनियन 13 फरवरी 1990 को रजिस्टर हुआ था, और हम 35 साल से मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मजदूरों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आज है, मजदूरों की लड़ाई हम जमीन पर भी लड़ते हैं और कोर्ट से भी लड़ते हैं। अब यहाँ पर जो जीवंती बिल्डिंग में CLC का कार्य, RLC का कार्यालय है, यहाँ पर 26/10/2020 से कोई CLC RLC नहीं है, यहाँ जो अब अधिकारी नहीं है, कोई काम नहीं होता। जितने अधिकारी का पोस्ट होना चाहिए, जितने LEO का पोस्ट है, वो पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। तो इसका परिणाम ये होता है, एक तो कंपनियां शोषण करती हैं,
दूसरा हम यहाँ पर अगर आते हैं अपनी मांगों को लेने के लिए, अपना कंप्लेन लगाने के लिए, यहाँ से कोई सुनवाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ अधिकारी नहीं है, सुनवाई नहीं होता। अब यहाँ RLC का पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। RLC का मतलब ये कह रहे हैं रीजनल लेबर कमिश्नर, जिनका काम होता है कि कोई भी कंपनी अगर लेबर हायर करती है तो उस लेबर को न्यूनतम वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खासकर काम करने की जगह है वहाँ पे जो सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए वो है कि नहीं है। आप जानते हैं हज़ारों मजदूरों की मौतें हो जाती हैं अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट्स में, तो क्या अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है तो सेफ्टी गियर्स उसने पहने हैं या नहीं पहने हैं? कोई माई बाप नहीं है देखने वाला, ना कोई पूछने वाला है। 200 लेबर की लिस्ट देते हैं, 500 लेबर काम कर रहे होते हैं, उसमें से किसी को कुछ हो जाए तो ये हमारे पास नहीं था, उठा के बाहर निकाल के फेंक देते हैं कि हमारे साथ तो था ही नहीं जी। तो ये सब चीज़ें भी होती है ना, सारी चीज़ें होती है। अभी कितने लोग तेवतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी में रोहिणी कोर्ट के अंदर में लेबर मर गए और उसका केस तेवतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी पर होना चाहिए, PWD पर होना चाहिए, लेकिन उसका केस एक मजदूर पर बना दिया। उसके लिए FIR में FIR नंबर 0500 10/11/2022 को ये मतलब प्रशांत विहार थाना जिला रोहिणी में ये केस दर्ज हुआ है। इसमें दिनेश के नाम से, दिनेश चंद के नाम से FIR दर्ज कर दिया पुलिस वालों ने, जबकि FIR दर्ज होना चाहिए ठेका अवार्ड प्राप्त तेवतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर में और PWD जो ठेका अवार्ड जारी किया है उसके एक्सिक्यूटिव इंजीनियर ऊपर में। यहाँ इतनी बारी शोषण मजदूरों का होता है जो चारों ओर जहाँ कहीं भी एक्सीडेंट होते हैं, हर साइड पर एक्सीडेंट होता है, लेकिन उसका केस पुलिस वाला लेबर के साथ बनाते हैं, लेबर पर बना देता है, कोई भी कंपनी के ऊपर नहीं बनाता है। ये और बड़ा शोषण है। आज अहलवलिया कंपनी 221 लेबर का मजदूरी खा रखा है, 4,42,00,000 रुपये खा रखा है, नहीं दिया है। आज सारा लेबर सफर कर रहा है। ऐसे ऐसे LNT वाला है जो सुरेंद्र के साथ 13-14 लेबर है किसान रोड के साथ में, उनको लेबर पैसा नहीं दिया है। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किसान को सुरेंद्र के साथ पैसा नहीं दिया है। ऐसे इतने कितने कंपनियों का नाम गिनाऊं, सैकड़ों कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं, 1 to all सभी कंस्ट्रक्शन कंपनी यही काम करती है। और जो ठेका अवार्ड सरकारी डिपार्टमेंट जारी करता है उसमें सारे अफसर एक्सिक्यूटिव इंजीनियर वगैरह जितने भी जुड़े हैं वो सब कंपनी से अपना मिलीभगत करके कमीशन खोरी करते हैं और कमीशन खोरी करने के चक्कर में लेबरों का हक मारते हैं, लेबरों का पैसा नहीं मिलता है, लेबर धक्के पर धक्के खाते रहते हैं, धक्के पर धक्के खाते रहता है। आपने कभी सुना है कि किसी क्षेत्र में MLA का पद खाली है 2 सालों से? आपने कभी सुना है कि किसी क्षेत्र में MP का पद खाली है 4 सालों से? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जो लेबर हैं जिनके शोषण होते हैं, अगर कोई कानून व्यवस्था जिसके हाथ में कानून होना चाहिए और जब उस पद पर कोई है ही नहीं, तो आखिर इन लेबर को न्याय कौन दिलवाएगा? 200-200 रुपये रोज पे लेबर से काम करा लिया जाता है, न्यूनतम दिहाड़ी मान लीजिए अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूँ उनको 800 मिलना चाहिए, तो जहाँ पे 200 रुपये दिया जाता है और साइन कराया जाता है 800 के ऊपर, जहाँ पे इनके पैसे खा लिए जाते हैं, कई ऐसी घटनाएँ होती है। लेकिन रीजनल लेबर कमीशनर का ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर में अक्टूबर 2020 से लेकर के आज तक वो पोस्ट खाली है, उस पर टेम्प्ररी कोई काम कर, टेम्प्रोरी हम लोग जब DLC डिप्टी चीफ से मिले थे तो उन्होंने टेम्प्रोरी हेमंत जी को बैठा दिया, निरंजन जी कुमार जी को बैठा दिया, और उसके बाद वो भी चले गए। और अब जो है वो अशोक पेरुमल्ला जी आए 13 जनवरी 2022 को, और 13 जनवरी 2022 को ये भी टेम्प्रोरी ही थे, और उसके बाद 12 अक्टूबर 2022 को इसको भी पदमुक्त करके, और हम लोगों को शेयर नहीं किए ये पदमुक्त हैं, लेकिन 23-12 को हम लोगों को पता लगा जो ये पदमुक्त हैं। अब इनको ना हटाए ना काम पर बैठाए, फिर हमने एक्शन लिया, 100 नंबर कॉल करके फिर प्रोग्राम दिए। हम कहे ऐसा गड़बड़ क्यों किया? अगर आपको कोई चीज़ करना ही है या तो हमें विकल्प दो, या तो हमें अस्थाई RLC दो, या नहीं अस्थाई RLC देते हैं तो जिसको आप 13 जनवरी 2022 को 10 महीने से 12 महीने से काम करा रहे हैं, उनके पास जो हमारे सैकड़ों केस की सुनवाई हुई है, जो उनके पास जानकारी डाटा कलेक्ट है, और वही अगर रह जाएंगे तो 2-4 महीने में 1-8 महीने में हमारा ऑर्डर हो जाएगा, लेबर को पैदा हो जाएगा। तो हम यही कहते हैं यदि या तो विकल्प दो, नहीं तो उन्हीं को तत्काल कार्यरत करो, ताकि हमें सफर नहीं करना पड़े, हमें न्याय के लिए भटकना नहीं पड़े, हमें और अधिक मतलब दलदल में नहीं जाना पड़े। अब नए RLC अगर आते हैं तो उनके लिए 1-2 साल फिर हम धक्के कहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया, हम बोलते हैं,
लेकिन इसी डिजिटल इंडिया में जो हमारे मैन पावर्स हैं, खास करके जो मजदूर तबका है, अगर उनका आंकड़ा आप सरकार से पूछेंगे तो उनके पास नहीं है। जब कोरोना आई तो कंस्ट्रक्शन लेबर को जो कुछ पैसे देने की बात चली थी, जो राज्य सरकार दे रही थी, दिल्ली की सरकार दे रही थी, उनके पास महज 50,000 लेबर से रजिस्टर्ड नाम थे उसमें। उसमें से कितने के नाम कट गए थे, कितने पुराने नंबर थे, कितने नाम थे, बहुतों को मिले, बहुतों को नहीं मिले। लाखों लेबर इसी NCR में काम करते हैं जिनका कहीं कोई डेटा आता पता नहीं है। इस बात पे बहुत बड़ी एक बहस भी छिड़ी थी कि अब रजिस्ट्रेशन कराने की, जब कोरोना जब महामारी आई उसके वजह से ज़रूरत महसूस हुई तो ऐसा फॉर्म बनाया गया जहाँ पर ये लेबर शायद फॉर्म भर नहीं सकते हैं। तो इनका आंकड़ा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा इकट्ठा, ताकि कोई ऐसी बात हो तो इनका जो भी डेटा निकाल के और इनकी जो तकलीफ है उस पर बात की जा सके। मुश्किल ये है कि जो रीजनल लेबर कमीशन है उसका पोस्ट खाली है, कई तरह से चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे डेटा की ज़रूरत पड़ती है वो है नहीं। लेकिन इन्हीं लेबर्स ने, इन्हीं से सालों साल कंस्ट्रक्शन लेबर सेस के नाम पे करोड़ों रुपये वसूली किए गए, और जब कोरोना महामारी आई तो पैदल दौड़ा दिया गया, एक ट्रेन तक नसीब नहीं हुई थी, लेकिन नमक भी खरीदा था तो उस पर भी टैक्स, और प्लस जो काम करते थे उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन लेबर सेस के नाम पे एक फंड है, देखिएगा जाके आप भी, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए थे जिसपे मंत्री जी और नेताजी का गाड़ी चल रहा था, उस पैसे के पेट्रोल से, उस पैसे से उनके घर में नौकर चाकर रखा जा रहा था, लेकिन इन्हीं मजदूरों के खून का पैसा था। सोचिएगा, और अब क्या इरादा है आपका? मेरा इरादा ये है, जो आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय कानून मंत्री जी को, श्रम मंत्री जी को, श्रम सचिव को, और आदरणीय मुख्य श्रम आयुक्त भारत सरकार को अपनी मेमोरेंडम पहुंचा दिया हूं, इनसे अपनी बात रख दिया हूं, जो हमें तत्काल परमानेंट RLC दीजिए, अगर तत्काल नहीं दे पाते हैं तो जो RLC अभी काम कर रहे हैं उनको ही कार्यरत कर दीजिए, और हमारे को इंसाफ दिलाइए। हमारा जो केस, मजदूरों का केस जो सफ़र कर रहा है, वो सफ़र करने से रोकिए, और इसके बाद अगर आप हमारी मांग 2 दिन 4 दिन 5 दिन में पूरी नहीं करेंगे तो फिर हम लोग पूरे दिल्ली की मजदूरों का एकत्रित करके फिर हम लाखों की संख्या में आके फिर जो जन आंदोलन करेंगे, मजदूर आंदोलन करेंगे, वो आंदोलन सामान्य आंदोलन नहीं होगा, एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा, वो निर्णायक भी होगा और उग्र भी होगा, और इसके लिए सरकार जवाबदेह होगी। उग्र आंदोलन होगा। आंकड़े के मुताबिक इस देश में करीब करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग है अलग अलग न्यायालय में, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। इन मजदूरों को न्याय लेते लेते तो उम्र बीत जाती है, न्याय नहीं मिल पाता। आखिर कब वो ऐसा दिन आएगा जो गरीब जनता, गरीब मजदूर को तुरंत न्याय मिल जाए या इनके शिकायत पे कोई त्वरित कार्रवाई हो जाए? वो दिन देखने में भी अभी मुझे लगता है शायद बरसों बरस बीत जाएंगे अभी। नमस्कार।